अगली खबर अयोध्या से है। बताते चले हापुड़ अधिवक्ता लाठीचार्ज कांड को लेकर अधिवक्ताओं का धरना तथा शासन व प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी का मामला दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। हापुड़ की घटना घटित हुए लगभग 15 दिनों से ज्यादा हो गए, लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक सरकार का कोई मुलाजिम न तो सामने आया और न ही अधिवक्ताओं से बातचीत करना मुनासिब समझा। इसी के संदर्भ में बार काउंसलिंग के आह्वान पर अधिवक्ता संघ बीकापुर के अध्यक्ष आबाद अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आखिरकार सरकार का पुतला फूंक ही दिया। बताते चले पुलिस प्रशासन और अधिवक्ता संघ बीकापुर के अधिवक्ताओं के बीच पुतला दहन को लेकर छुटपुट नोकझोंक के बीच अधिवक्ताओं से पुतला दहन न करने और उनसे पुतला छीनने का प्रयास किया गया, लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता एक स्वर में अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को दरकिनार करते हुए बार संघ से दूर हटाया तो प्रशासन को लगा कि मामला गड़बड़ है। कुछ पल के लिए पुलिस प्रशासन और बीकापुर अधिवक्ताओं के बीच पुतला दहन न करने का आंख मिचौली का खेल चलता रहा, लेकिन देखते ही देखते बीकापुर के अधिवक्ताओं ने ऐसी पलटी मारी कि पुलिस प्रशासन इधर से उधर के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गया और अधिवक्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। खिसियानी भीगी बिल्ली की तरह पुलिस प्रशासन दौड़कर लाठी से पीट पीट कर सरकार का पुतला बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तब तक पुतला राख में तब्दील हो चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों से मुखातिब होते हुए संघ के अध्यक्ष ने अपनी मांग और आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बीकापुर बार एसोसिएशन ने सभी सम्मानित सदस्यों की मौजूदगी में ये प्रदेश सरकार के पुलिस कर्मियों के द्वारा 29 अगस्त की घटना जो लाठीचार्ज अधिवक्ताओं के ऊपर की गई थी उसके विरोध स्वरूप तहसील प्रांगण में शहीद स्मारक स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार का पुतला फूंका गया। हमारी मांग है कि हापुड़ के डीएम और कप्तान का स्थानांतरण किया जाए, वहाँ से वहाँ के क्षेत्राधिकारी सिसोदिया को बर्खास्तगी की जाए, हमारे घायल अधिवक्ताओं को उपचार के लिए पूरा सहयोग प्रदान किया जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो मुकदमा कायम किया है उनकी गिरफ्तारी की जाए और सक्षम धाराओं में उन्हें जेल भेजा जाए, ये अधिवक्ता समाज की मांग है। बीकापुर बार एसोसिएशन अनवरत रूप से 29 तारीख से लेकर के आज तक लगातार संघर्ष कर रहा है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो भी निर्देश प्राप्त होगा हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे और संघर्ष में कहीं भी कोई कमी नहीं आने देंगे। आज जो पुतला फूंका गया तो किसका पुतला? प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया।